हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर बैक मसल स्पाज़म के बारे में। व्यूअर्स, हमारी जब कमर में मोच आती है तो हमारे जो लोअर बैक के मसल्स हैं वो अपने आप जकड़ जाते हैं, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन में चले जाते हैं और रिलैक्स नहीं होते। इसी को हम लोअर बैक मसल स्पाज़म कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हम अचानक से गलत तरीके से कोई भारी वज़न उठा लें, गलत तरीके से एक्सरसाइज कर लें, गलत तरीके से बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहें, तब हमारे को मसल स्पाज़म हो सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी के कारण भी आपके जो लोअर बैक मसल्स हैं उनमें स्पाज़म डेवलप हो सकता है। व्यूअर्स, स्पाज़म में हमारे जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं और रिलैक्स नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो अपने आप को और ज़्यादा इंजरी और डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी ऐसी पोजीशन में नहीं जाना चाहती जहां पर हमारे जो मसल्स हैं उनमें और ज़्यादा डैमेज हो और ज़्यादा इंजरी हो। इसके अलावा स्पाइन का आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्क प्रॉब्लम्स में भी आपके जो मसल्स हैं वो स्पाज़म में चले जाते हैं और रिलैक्स नहीं होते। सो व्यूअर्स, अब हम जानते हैं कि हमें मसल स्पाज़म को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें रेस्ट करना चाहिए, इससे क्या होगा, हमारे मसल्स रिलैक्स होंगे। सो व्यूअर्स, क्योंकि मसल स्पाज़म में है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, उस वक्त आपको कमर पर मूवमेंट करने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है और आपकी इंजरी जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है और मसल और ज़्यादा स्पाज़म में जा सकते हैं। इसलिए आप रेस्ट करें और मसल्स को रिलैक्स होने दें। रेस्ट में भी मैं आपको कंप्लीट रेस्ट सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि कंप्लीट रेस्ट करने से और ज़्यादा जकड़न कई बार बढ़ सकती है और आपकी तकलीफ़ बढ़ सकती है। तो जितना आप कंफर्टेबल हैं उतना चलें फिरें, इससे क्या होगा, आपके जो लोअर बैक के मसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मसल्स रिलैक्स होंगे और आपकी जो तकलीफ़ है वो कम होगी। व्यूअर्स, रेस्ट करते वक्त हमारी जो रेस्टिंग पोजीशन है वो सही होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सी रेस्टिंग पोजीशन में आपको रेस्ट करना चाहिए। सो व्यूअर्स, रेस्ट करने के लिए आपको रेस्टिंग पोजीशन सही तरीके से मालूम होनी चाहिए। तो जब भी आप बैठते हैं एक टॉवल का रोल अपने कमर के निचले हिस्से में इस तरीके से लगा लें, इससे क्या होगा, हमारी जो स्पाइन की अलाइनमेंट है वो सही मेंटेन रहेगी और हमारे जो लोअर बैक के मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे। आप लेटते समय अपने घुटनों के नीचे इस तरीके से तकियों को प्लेस कर लें। इस पोजीशन में भी हमारी जो लोअर बैक है उस पर से जो प्रेशर है वो हट जाता है और हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं। रेस्ट के अलावा आप हीट थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। हीट थेरेपी के लिए आप मॉइस्ट हीट पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप कमर के निचले हिस्से पर प्लेस करें करीब 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, हमारी मसल्स रिलैक्स होगी, लोअर बैक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जिससे आपको मूवमेंट करने में आसानी होगी, मसल्स को रिलीज़ करने में आसानी होगी और साथ ही साथ जो एडहेशंस हमारे मसल में बन जाते हैं उनको भी ब्रेक करने में आसानी होती है। व्यूअर्स, यदि आपको मसल स्पाज़म के साथ में सूजन भी है तो आप कोल्ड बैक का इनिशियली इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 दिन तक। इससे आपकी जो सूजन है वो कम होगी, फिर आप हॉट पैक करें। और यदि आपको सूजन नहीं है तो डायरेक्टली आप हॉट पैक का इस्तेमाल करके मसल के स्पाज़म को कम कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, 2 से 3 दिन बाद जब आपका पेन थोड़ा सा कम हो जाए, स्पाज़म कम हो जाए, तो आप जो एक्सरसाइजेज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उनको कीजिए। इससे क्या होगा, हमारे जो स्पाइन है उसकी मोबिलिटी इंप्रूव होगी और हमारे जो लोअर बैक मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से एक्सरसाइज हमें मसल स्पाज़म के केस में करनी चाहिए। डबल नी टू चेस्ट स्ट्रेच के लिए आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें और अपने दोनों हाथों की मदद से चेस्ट के करीब लेकर जाएं। इस स्ट्रेच से हमारे ग्लूट्स और इरेक्टर स्पाइनी मसल्स स्ट्रेच होते हैं। इस स्ट्रेच से लोअर बैक की जो जकड़न है और लोअर बैक पर जो टेंशन है वो कम होती है। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और करीब 3 बार इसे दोहराएं। पायरीफॉर्मिस स्ट्रेच को परफॉर्म करने के लिए आप एक पैर को दूसरे घुटने के थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर लें। अब हाथों की मदद से पैर को ऊपर लेकर आएं। इस एक्सरसाइज से हमारा जो पायरीफॉर्मिस मसल है वो स्ट्रेच होगा। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आप अपने दाएं पैर को पीछे प्लेस करें
और आगे वाले पैर के घुटने को थोड़ा सा मुड़ा रहने दें। अब अपने दाएं हाथ को ऊपर करते हुए अपनी अपर बॉडी को और टिल्ट करें। ध्यान रखें, इस एक्सरसाइज में आपको अपनी पेल्विस को बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करना है। यह एक्सरसाइज स्पेसिफिकली हमारे क्वाड्रेटस लंबोरम मसल को स्ट्रेच करेगी। आप इस स्ट्रेच को 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2-3 बार इसे दोहराएं। कैट एंड कैमल पोज के लिए आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो इस तरीके से रहेगी। इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए नाक से लंबी गहरी सांस लें। अब मुंह से सांस को छोड़ते हुए अपनी बैक को आर्च करें और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं। अब वापस से सांस लेते हुए बैक को राउंड करें और गर्दन को नीचे झुकाएं। इस एक्सरसाइज से हमारी स्पाइन की मोबिलिटी और बैक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, साथ ही कोर मसल्स एक्टिवेट होते हैं, बैक पेन में रिलीफ मिलता है। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 20 रेपिटेशंस के 1 या 2 सेट्स कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें, आपके हाथ साइड में रहेंगे। अब इस पोजीशन से अपनी कमर को ऊपर उठाएं। आपको एंड पोजीशन में करीब 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है और 8 से 12 रेपिटेशन के 1 से 2 सेट्स आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपके ग्लूट, एब्डोमिनल और हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज के लिए आप साइड लाइंग पोजीशन में लेट जाएं। अब अपने ऊपर वाले पैर को घुटने को सीधा रखते हुए हल्का सा पीछे लेकर जाएं। अब इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए पैर को साइड में ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज से ग्लूटियस मीडियस मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ध्यान रखें, आपकी बॉडी एक सीधे अलाइनमेंट में होनी चाहिए, आपकी कमर आगे या पीछे की तरफ झुकी ना हो। इस एक्सरसाइज के 15 रेपिटेशंस के 2 सेट्स आपको करने हैं।